हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। सो व्हाट्स अप, क्या हो रहा है? ओके, सो गाइस, वेयर आर वी? थोड़ा सा टाइम आप लोगों को ज़्यादा मिल गया तो कुछ प्रैक्टिस हुआ, कुछ इस टाइप की कुछ चीज़ आप लोग कर पाए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी सर, क्या मैंने एक दिन के लिए टेस्ट के एड रन किया है पेज, अपने पेज, आपने नहीं किसी और की पेज पे, मतलब पेज प्रमोट किया था, वो क्या है? और सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है सर, जिसमें बोलना चाहता हूँ, वो आप बाद में क्लास के एंड में भी बता सकते हैं, क्योंकि हमारे ज्यादातर अकाउंट एड मैनेजमेंट अकाउंट डिजिबल हो जा रहे हैं, दिख रहा है अनयूजुअल एक्टिविटी वायलेंस। लेकिन हम लोग तो, मतलब खास करके मैं तो अनयूजुअल एक्टिविटी वायलेंस ऐसा कुछ किया नहीं। फिर उस विजिबल को अगर इनेबल में कन्वर्ट करना है तो प्रॉपर हेल्प फेसबुक के थ्रू से नहीं मिल रहा है। मैं कल रात देख रहा था, जो लाइव सपोर्ट टीम जो होता है फेसबुक में, वो आप अवेलेबल नहीं है, वो दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, वो नहीं रहता, वो मोस्टली नहीं रहता। तो आपको क्या करना है, रिव्यू माई अकाउंट करके रिक्वेस्ट डालना होता है। उसके अंदर स्टेप में रहता है कि आपको आईडी कार्ड या फिर वो डिटेल्स डालने होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना। वो जो सेक्शन आप बता रहे, जो रिव्यू के लिए मैं भी देख रहा था उन दिन, जो वहाँ पर आपका प्रॉब्लम लिख के आप जो भी आइडेंटिटी मतलब सबमिट करके उसको रिव्यू में देने के बाद हो सकता है, वो ऑप्शन भी ठीक तरीके से नहीं आ रहा है। किसी और ऑप्शन आ रहा है जिसमें लिख रहा हूँ रिव्यू, लेकिन कोई रिस्पांस या कुछ नहीं आ रहा है। नहीं, रिस्पांस इतना नहीं होता, ये फेसबुक आपको 24 to 48 hours वो अपना टाइम लेता है, हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर कोई मैनुअल इंटरवेंशन इस टाइप से नहीं रहता। वो आएगा अगर आपका ऐड किसी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उस केस में आ जाता है। लेकिन अकाउंट पे जो आप पोस्ट कर रहे हैं, उसमें कई बार क्या होता है कि जो हमारे जो कंटेंट पोस्ट हो रहे हैं उसमें वायलेशन हमको नहीं समझ में आता है कि हमने क्या वायलेट किया है। बट ये रहता है कि जैसे आपने किसी कोई म्यूजिक, आपने कैसे एक वीडियो आपने अपलोड किया जिसके अंदर कोई म्यूजिक है, तो म्यूजिक कॉपीराइटेड होता है, कोई भी अगर हम उस टाइप की चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो वो उस तरह की चीज़ होती है। या फिर तो वही चीज़ नहीं पता है मुझे कि किस तरह का आपने अपलोड किया है या क्या पोस्ट करने की कोशिश की है, ठीक है, तो वो होता है। तो अगर वैसा हो रहा है तो हम रिव्यू के लिए डालते हैं। अभी मेरे ऑफिस में ही एक लड़का जो कि कई काफ़ी टाइम से, ऑलमोस्ट एक साल से ऊपर हो गया है, ही वॉज मैनेजिंग फेसबुक कैंपेन, उसका अकाउंट डे बिफोर यस्टरडे सस्पेंशन मोड में चला गया। वी रिक्वेस्टेड फॉर द रिव्यू, सबमिटेड द आईडी, आज आफ्टरनून में जाके कोई ये नहीं हुआ, बस वो उन्होंने इनेबल कर दिया एंड दे डिडंट सबमिटेड एनी मेल, दे डिडंट सेंड एनी मेल एज वेल। जब हमने मेरा ही एक बहुत पहले का एक अकाउंट था जो कि इस तरह से सस्पेंड हुआ था, देन वी अगेन अप्रोच, दे आस्क्ड अस टू अपलोड इट, हमने अपलोड किया, दे एक्टिवेटेड इट आफ्टर 3-4 days टाइम। तो दे टेक देयर ओन टाइम। तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करोगे तो भी नहीं होता। वेयर एज इन गूगल, गूगल आपको कस्टमर सपोर्ट नंबर होता है, आप वहाँ पर कॉल कर लो, ये कर लो, तो दे हैव बेटर सपोर्ट सिस्टम इन कंपेरिजन टू फेसबुक। गूगल हैज़ बेटर सपोर्ट सिस्टम, फेसबुक में कोई ह्यूमन इंटरवेंशन, आप किसी को कॉल करके उठा के बात नहीं कर सकते। वहाँ चैट सपोर्ट के लिए भी एक लिमिटेड है कि वो गया बोले तो आपको कुछ चीज़ें पूछता है और उसके बाद वो से इट विल टेक इट्स ओन टाइम टू कम बैक, सो दे डोंट हैव एनीथिंग एज सच। तो अगर ऐसा होता है तो आप होल्ड कर लीजिए, कोई इसमें ये नहीं है, आप अपने आइडेंटिटी अपडेट। एक्चुअली होता है क्या है कि अगर आप नया नया एडवर्टीजमेंट शुरू करते हैं, ठीक है, तो फेसबुक इस चीज़ को बहुत ही स्क्रूटनी करता है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई फेक अकाउंट से कुछ और जो है ये कर रहा है। तो इसलिए वो जैसे ही आप नया एड रन करना शुरू करेंगे तो वो कभी कभी हो जाता है कि आपका वो होल्ड कर लेता है और वो रिव्यू के अंदर डालता है। लेकिन जी बोलिए बोलिए सर, आप बोलिए। नहीं नहीं, लेकिन वो रिव्यू करने के बाद वो फिर जो आपने आईडी बनाया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका आकाश, आकाश के नाम से आईडी है, तो आप जिस आईडी से बनाए हुए हो उसी आईडी का आईडी प्रूफ वो एक्सपेक्ट करता है। आपने अगर फेसबुक में जो बर्थडे डाला हुआ है वही आपका डेट ऑफ बर्थ वो आपके आईडी में एक्सपेक्ट करता है। दे वॉन्ट टू सी दैट यू आर नॉट ए फ्रॉड पर्सन, यू आर अ जेन्युइन पर्सन, इफ यू आर देन दे विल एक्टिवेट इट। अगर मिसमैच होता है तो फिर वो एक्टिवेट नहीं करते। ओके ओके सर, मतलब होता है क्या सर, हम लोग अगर पेज बनाए किसी क्लाइंट के लिए
क्लाइंट तो खुद का पेज फेसबुक आईडी नहीं देगा हमको, तो हमें तो बनाना पड़ता है। उस टाइम तो ज्यादा डिटेल्स देना, उस टाइम हमको क्लाइंट से वो वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए, मतलब आधार कार्ड पैन कार्ड के प्रोफाइल। पेज बनाने के लिए आपको क्लाइंट से ज्यादा चीजें नहीं लेनी पड़ती। अगर आपका प्रोफाइल सही बना हुआ है, ठीक है, तो आप वहां से आप बिजनेस पेज क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अगर क्लाइंट के लिए आप फेसबुक आईडी बना के अगर आप फेसबुक पेज क्रिएट कर रहे हैं तो ये बेटर है कि क्लाइंट से सारा डिटेल एग्जैक्ट, जो उनका नाम है, जो उनका डेट ऑफ बर्थ है, जो लोग जो उनका डिटेल है, वही डिटेल हमको एग्जैक्ट डालना चाहिए, फेक डिटेल नहीं डालना चाहिए। दैट इज व्हाट इट इज रिक्वायर्ड इन करंट सिनेरियो। ओके सर, और किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, कुछ हो तो बताएं। सर गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सुशीत साहब जी, बताएं। सर सुशीत सर, सर थोड़ा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आई हैव कंप्लीटेड 10th, थोड़ा सा आपको आपका मदद चाहिए सर। जी जी करिए। Can you see? Yeah, I can. Sir, देखिए, set your page setup for success. There are, it is written that 10 of 13 steps are completed. Okay. Right. So now one thing is, this is completed to confirmation preferences. यहाँ पे सर ये टू स्टेप्स क्लिक करते हैं सर, यहाँ पे ऐड वेबसाइट है, तो व्हिच वेबसाइट आई शुड गिव सर? आप कोई भी एक वेबसाइट दे दीजिए, आप विक्स पे बनाए हैं विक्स वाला दे दीजिए, गूगल माय बिजनेस का बनाए हैं गूगल माय बिजनेस का दे दीजिए, एनीथिंग दैट यू कैन गिव, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बट इट शुड बी देयर। अगर लिंक पे क्लिक करा तो पेज खुलना। So second option is you have to add phone number. ये तो आप ये दो जी, हाँ ठीक है, ये कर लेंगे हम। उसके बाद सर इंट्रोड्यूस योर पेज, ये जो है वन स्टेप लेफ्ट, यहाँ पे सर क्या करना है? क्लिक करिए इनवाइट, एक्चुअली इन, हाँ क्लिक करिए उस पर, हाँ तो यहाँ पे, हाँ क्लिक किया आएगा। नहीं, क्लोज मत करिए ना सर, क्लोज मत करिए, होल्ड ऑन, don't close that. अरे फिर आप close क्यों करती हैं? I had invited one friend. Okay, nothing is coming. Let it open. So this step is to invite your friends. मेरे ख्याल से you have. Yeah, close. नहीं किया हूँ sir. I have not closed you, sir. I think there is a delay. Now, there is a delay in terms of when voice is reaching you, so that's not a problem. Even if you invite people or don't invite people, that doesn't matter for promotion. So it is not coming. No, not loading. That's not an issue. आप कभी भी कर सकते हो. अगर आपके पास friends हैं, आपका friend है इसमें list में है, तो आप उनको invite भेज सकते हो. नहीं है तो भी कोई problem नहीं है. ये आपको आगे बढ़ने से शो स्टॉपर नहीं है. इफ यू डू इट, इट्स गुड, बट इट इज नॉट अ शो स्टॉपर. ओके, सर मैं अपना स्क्रीन शेयर करूं, मैं एक एड रन किया है. हाँ बिल्कुल करिए. सर दिख रहा है स्क्रीन? हाँ दिख रहा. हेलो जी जी, दिख रहा है. एड सेंटर राइट, गो डाउन. हाँ एक्टिव हुआ यहाँ पे अभी, एक्टिव हुआ है अभी. हाँ सर, मैं आज ही किया हूँ वो ऐड किया, तो अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन आया नहीं. एक दिन के लिए जस्ट टेस्टिंग के लिए मैंने. हाँ थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि
कब शुरू किया, ये एक्टिवेट कब हुआ, कितने टाइम पहले एक्टिवेट हुआ? आज आज 3 बजे में किया था, हाँ, तो अभी चेक कर रहा हूँ। हाँ तो थोड़ा सा रुक जाइए, 24 आवर्स का टाइम दे दीजिए, इट विल शो। समटाइम्स इट टेक्स टाइम, दैट्स ओके, बट योर एड इज देयर सो इट विल शो, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। सुशीत साहब This is coming, sir. Again, I'm inviting. Ah, that is not at all a problem, sir. Shushit sir, that is not at all a problem. अगर वो नहीं है तो भी कोई issue नहीं होता है. You can continue. Okay, sir. Next. बताइए. ये है यहाँ पे, उसमें आपको ये डिलीट नहीं आ रहा सर। क्या नहीं आ रहा? डिलीट ये, हाँ सर, वो दूसरे चीज में वो ऊपर में जो है दोस्त थी, डिलीट स्विच वाज देयर, बट हियर इट इज ओनली एडिट पोस्ट, बट आई कैन नॉट एडिट आल्सो दिस वन। क्लिक करिए, ये क्या आप एडिट कर रहे हैं? ये प्रोफाइल पिक्चर आप एडिट कर रहे हैं, तो प्रोफाइल पिक्चर को एडिट करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? प्रोफाइल पिक्चर को एडिट करने के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा। क्लोज कीजिए इसको सर। प्रोफाइल पिक्चर कहाँ पे आता है सर? आइकॉन कहाँ पे आता है आपको? आइकॉन ऊपर आएगा जहाँ पे आपका बैनर है, और आप ऊपर जाइए, हाँ वहाँ पे क्लिक करिए, प्रोफाइल पिक्चर पे आप क्लिक करिए। नहीं नहीं ये जो नीचे आ रहा है सर, BNS, दिस इज फेसबुक बैनर, दिस इज फेसबुक बैनर, प्रोफाइल पिक्चर ये वाला आ रहा है, हाँ वहां पे फोटो का एक सर वहां पे नहीं, आप थोड़ा सा और ऊपर जाए ना, गो लिटिल अप, यहाँ पे आ रहा है BNS के लिखा हुआ लेफ्ट साइड में, आपको जो क्रिएट क्रिएट से पहले आपको लेफ्ट साइड में एक फोटो का कैमरा का इंप्रेशन आ रहा है वहां पे, वहां पे क्लिक करिए, हाँ क्लिक करिए, क्लिक करिए, हाँ किया है सर, हाँ तो अब यहाँ पे आपको डिलीट, अब आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन भी आएगा, डिलीट का भी ऑप्शन आ जाएगा, आप जो भी करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है सर। अगर आपको ये इमेज चेंज करना है तो फिर आपको ये एक्टिविटी करना है, अगर ये इमेज चेंज नहीं करना तो इसको छोड़ देना है सर। आप एडिट पे क्लिक करिए, एडिट पे तो क्लिक किया हो, नहीं सर आप फिर क्लोज करने जा रहे हैं, आप क्लोज करने में जल्दी क्यों करते हैं आप? नहीं क्लोज नहीं सर, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, कोई नहीं आपको दिखेगा सर, राइट साइड में आपको थोड़ा सा ऊपर, राइट साइड में, गो टू राइट साइड, अगेन राइट सर, मैं राइट बोल रहा हूँ, लेफ्ट नहीं राइट बोल रहा हूँ, राइट, हाँ और थोड़ा सा राइट जाइए, नहीं नहीं और वो सर राइट जाइए, और नहीं है कुछ, अरे है सर वहाँ पे दिख के आ रहा है, ब्लैक स्क्रीन के बाद व्हाइट स्क्रीन में देखिए ना सर, दिख के आ रहा है, हाँ ये, अरे सर यहाँ पे नॉट सर, जहाँ पे BNS का आइकॉन सर्किल है उससे नीचे एडिट लिखा हुआ है, हाँ क्लिक करिए सर, सर ये तो पूरा वो फर्स्ट वाला एडिट हो जाएगा क्या? सर आप जिसको एडिट, सर आप जिसको एडिट करने की कोशिश कर रहे थे, जो एडिट नहीं हो रहा था, इसीलिए नहीं हो रहा था, बिकॉज दिस इज मैंडेटरी, इफ यू विल एडिट इट कंप्लीट थिंग विल गेट एडिटेड, सो दैट्स द रीजन इट वाज नॉट गेटिंग एडिटेड, तो अगर नहीं करना है तो आप इसको क्लोज कर दीजिए, इट विल गो लेफ्ट साइड, हाँ उसको क्लोज कर दीजिए, राइट, Actually, this post I want to edit, sir. This post. Sir, post edit करना चाहते हो या बैनर आप रिप्लेस करना? ना, post. यहाँ पे दो post आ गया सर. हाँ तो कोई बात नहीं. सर इससे कोई, ये profile picture के लिए एक display है. This is not something which you can edit. ये दो चीजें Facebook आपको अपने आप club करके दे रहा है. So you need not to worry. You go up.
आप ऊपर जाइए, जो भी आपको चेंज करना है इससे इससे ऊपर जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं, राइट। और ऊपर रो वाला नहीं, इसमें जो भी आप पोस्ट चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। वो दो चीज अलग अलग है, वो दो अलग अलग चीज है सर। एक फेसबुक आइकॉन है, एक फेसबुक बैनर है। तो दोनों को मर्ज करके फेसबुक दिखा रहा है, बट एक्चुअली इट्स नॉट एनी इमेज, इट इज नॉट एनी कंबाइंड इमेज, इट इज जस्ट अ डिस्प्ले पर्पस। सो इसलिए वो आप एडिट नहीं कर पा रहे। The, all these, there are edit options or delete options. There is no such thing. Right. उसको अगर delete करना है तो आप ऊपर जाइए। आप ऊपर जाइए। Go at the top. Again at the top. More. हाँ, अब यहाँ पे नहीं है सर, मेरी बात सुन लीजिए। यहाँ पे आपको एडिट का एक बटन दिखा, जहाँ पे अभी आपका माउस है उसको एडिट का बटन क्लिक कीजिए आप। राइट, सो यू कैन अपलोड फोटो, यू कैन रिमूव दिस फोटो, यू कैन रीसाइज दिस फोटो, रीपोजिशन दिस फोटो। सो इफ यू विल डू, इफ यू वांट टू चेंज दिस, देन यू कैन डू फ्रॉम हेयर। अगर आपको आईकॉन जो छोटा वाला BNS वाला है, BNS एसोसिएट्स, उसको चेंज करना है तो वहां पे जो कैमरा का फोटो लगा हुआ है उसको क्लिक करना है। नो सर, दैट आई हैव अंडरस्टूड, दैट आई एम नॉट टेलिंग, I am telling about the post. What is the sir? I am explaining. I understood now, sir. I understood now. Well, these will not get changed. Okay, that you want to see. These will get edited. Right. Okay, sir. Achha, then sir, 13 steps to 10 steps hai. Baki 3 steps thoda yahan pe telephone number dene se bhi. Once I giving the telephone number, it is not taking. Sorry. Add phone number. You add phone number. Add phone number. ये चीज़ सर, add phone number is not taking. हाँ ठीक है, India is there. You add a phone number. नहीं, India तो है ही ना, हाँ वहाँ पे आप phone number add करो. जी. राइट, इंटर, कहीं पे भी आप माउस ले जाके क्लिक कर दो, क्लिक इट एनीवेयर, यू क्लिक इट एनीवेयर आउटसाइड द बॉक्स। सर उसी बॉक्स में ये जो ब्लू कलर का आउटलाइन है उसके बाद एडिंग ए फोन नंबर मेक्स इट इजियर फॉर पोटेंशियल कस्टमर टू कॉन्टैक्ट, वहां पे कहीं पे आप क्लिक करिए सर। हाँ कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए। यस सर आप, हाँ सो इट इज राइट, इट इज शोइंग एडिटिंग, ये अभी एडिट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैसेज आ गया, योर इट हैज बीन सेव्ड, यू क्लोज इट। इट इज शोइंग एडिटिंग, सो आई डोंट नो, इट इज शोइंग स्टिल एडिटिंग। सो फोन नंबर कंप्लीटेड, आप देखो ऊपर फोन नंबर कंप्लीटेड लिख के आ गया। Then you add website. If you remember your website name, for now you add it. It's not that you cannot edit it later. You can add it now. Okay. और फिर उसके बाद आप देखिएगा कि ये आपका step complete हो जाएगा. So, तो उसमें बाद में आप edit भी कर सकते हो. कर सकता है. बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है. बिल्कुल कर सकता है sir. सिर्फ आपका एक ही स्टेप बचेगा, इनवाइट फ्रेंड्स, ठीक है। तो वो अगर नहीं भी होता है तो भी चलता है। आप यहाँ पे इंटर वेबसाइट पे क्लिक करिए, इंटर वेबसाइट पे क्लिक कीजिए, ऊपर 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 फोन नंबर से ऊपर, हाँ क्लिक ऑन दैट, क्लिक ऑन इट। अब यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल डाल दे सर, वाला ये वाला गूगल वाला डाल देता है सर। हाँ कोई भी डालिए, कंसल्टेंसी डॉट सर डॉट बिजनेस देने से होगा या ऑटोमेशन कंसल्टेंसी .com? नहीं सर, .com नहीं, जो आपका गूगल माय बिजनेस का पेज है वही डालना है यहाँ पे।
सो bnsassociates.something.business.site करके वो जो URL है वो यहाँ पे डालो, उसको डालिए आप. ओके सर, पुट इट. नहीं सर ऐसे मत डालिए सर, आप कॉपी कर लीजिए अपने डेस्कटॉप से, कॉपी कीजिए उसको, बिकॉज https भी डालना होता है, www भी डालना होता है. डोंट पुट लाइक दिस, दैट्स वेयर यू कैन सी देयर इज अ रेड अलर्ट व्हिच हैज ऑलरेडी गिवन. तो आप ब्राउजर में जाके पहले अपनी वेबसाइट खोलिए और उसको कॉपी कीजिए सर. गो एट द टॉप, आप एक टैब ओपन कर लीजिए जहाँ पी, हाँ उसको ओपन कर लीजिए आप. वहां पे आप अपने बी एस एसोसिएट का जो आपको याद है वो डालिए, देखते हैं वही होगा या क्या है जो भी है. हाँ उसको उसको इंटर, हाँ क्लिक कीजिए उसको, क्लिक ऑन इट. अब उसको कॉपी कर लीजिए आप, साइट को पूरा कॉपी कीजिए उसको वहां पे. हाँ कॉपी कीजिए, कॉपी दैट, हाँ कॉपी, कंट्रोल सी, हाँ ठीक है कॉपी कर लीजिए. आप उसमें जाइए फेसबुक पे जाइए, हाँ ओपन दैट फेसबुक वालों, हाँ यहाँ पे आप डाल दीजिए पेस्ट, राइट. अब कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए, क्लिक ऑन इट. हाँ अब देखिए ये एडिटिंग दिखा रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए, उसके बाद आप इसको क्लोज कर लीजिएगा. राइट नाउ यू वुड सी, क्लोज इट. Right, so that part is also completed. Yeah, yeah. Sorry. ये देखिए website आ गया. Enter email ID. Enter email ID. आप अपना email ID नहीं डाले हो आप. Enter email ID डालिए. Sir, oh. Now I can understand, sir. I can do it. Now please proceed. Okay. So. Sir. All right. Okay, sir. Thank you very much. No problem, sir. So anyone else has any facing any other problem? और किसी का कोई प्रॉब्लम आ रहा? Yes or no, so that I can proceed to the next topic. So it's advisable in case you guys can say. No, sir, not yet. Okay, fine. So I'm moving to the next topic, which is related to Instagram. प्रमोशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने को प्रैक्टिकल चीज़ का उतना नहीं होगा, एक कॉन्सेप्चुअल मैं लेके आप लोगों को चलूँगा, बिकॉज वही फेसबुक का इंटरफेस अपने को यूज़ में आएगा जो हम लोग अभी फेसबुक के एड क्रिएशन में यूज़ कर रहे हैं, वही इंटरफेस हमको यहाँ पे भी यूज़ करना है. ओनली थिंग इज़ लाइक वी हैव टू क्रिएट आर इंस्टाग्राम आईडी एंड देन लिंक इट विद आर फेसबुक आईडी, फेसबुक डिटेल. ओके सो इन इंस्टाग्राम ऑल्सो वी विल बी डूइंग paid promotion, right? So insights, इसके अंदर आपको भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे Facebook में बहुत ज़्यादा options होता है और Instagram में थोड़े कम option होते हैं, but these two are two different social media platforms, but later on got merged as an advertising backend, it got merged, but these are the two different platforms, okay? So इसमें क्या है कि in comparison to Facebook, you are going to put small informations, but ज़्यादा यहाँ पे images का interactions ज़्यादा होता है, people comment, people love, people share, और they like or dislike your images. So यहाँ पे भी आपको Facebook की तरह आपको ID create करना है, email ID है, सारी चीज़ें हैं, but आपको थोड़ा सा अलग option लेना पड़ता है. Instagram में भी आपको दो option आते हैं, जैसे Facebook में आपको पर्सनल पेज और प्रोफेशनल पेज आता है, तो वैसे ही यहाँ पे पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों चीज़ें होती हैं. आपको पर्सनल क्रिएट करने के बाद आप वहाँ पे प्रोफेशनल क्रिएट कर सकते हो, सेल डायरेक्टली. व्हाट ऑल यू कैन डू, यू कैन सेल डायरेक्टली ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन इंगेज विद योर कम्युनिटी, यू कैन इंगेज विद योर कस्टमर्स. आप सेल कर सकते हो, इंगेज कर सकते हो, और आप अपने बिजनेस अकाउंट, सो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो. अब आप अपने बिजनेस अकाउंट को सेटअप करने के लिए जो भी फेसबुक, जैसे फेसबुक में आप आईडी क्रिएट करते हो, उसी तरह से इंस्टाग्राम के अंदर भी आपको आईडी क्रिएट करना है, और जो आईडी क्रिएट करोगे वहां पे आपको वो पूछता है यू वांट टू शिफ्ट इट टू बिजनेस प्रोफाइल. सो इफ यू चेंज इट टू बिजनेस प्रोफाइल,
सो इट बिकम्स बिजनेस प्रोफाइल। वहां पे बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता कि आपको अलग से पेज बनाना है, आपको अलग से प्रोफाइल बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यू जस्ट नीड टू स्विच फ्रॉम पर्सनल टू प्रोफेशनल अकाउंट। आप देख रहे होंगे यहाँ पे इन सेटिंग्स फाइंड अकाउंट एंड टैप टू स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, तो आपको इमीडिएटली वो प्रोफेशनल अकाउंट में शिफ्ट हो जाता है। इट विल नॉट आस्क मच ऑफ द डिटेल्स। ओके, अब ये जो बिजनेस अकाउंट आपका क्रिएट, प्रोफेशनल पेज जो क्रिएट हो गया, आपको करना क्या है, उस पेज के आईडी को आपको फेसबुक के पेज में जाके आपको लिंक करना है, बिकॉज इट गिव्स यू एन ऑप्शन टू इंटीग्रेट इंस्टाग्राम अकाउंट। तो जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट आप ऐड करते हो तो दोनों अकाउंट मर्ज हो जाता है, एंड व्हेन यू आर पब्लिशिंग एन ऐड इट आस्क यू, जैसे हम लोगों ने फेसबुक में देखा था प्लेसमेंट्स में, कि वो पूछता है कि आपको कहाँ कहाँ पब्लिश करना है। सो इफ यू आर क्लिकिंग एट इंस्टाग्राम, ऐड विल गेट अपियर ऑन द इंस्टाग्राम ऑल्सो, और फिर बाकी के प्रोसेस वैसे ही हैं, कोई डिफरेंट प्रोसेस नहीं है। ओके, अब यहाँ पे आता है कि जैसे मैंने कहा कि गेटिंग स्टार्टेड ऑन इंस्टाग्राम, फर्स्ट लेवल इज टू गेट एन इंस्टाग्राम प्रोफाइल इनटू बिजनेस अकाउंट। तो आप नॉर्मल इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट अकाउंट करेंगे, और उसके बाद आप जैसे ही अपना डिटेल, अपना आईडी, अपना नाम जो भी क्रिएट करना है, सो बेटर अगर आप बिजनेस से रिलेटेड ही अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, सो इट्स बेटर टू क्रिएट योर बिजनेस प्रोफाइल जो नाम है। फॉर एग्जाम्पल, अभी सुशीत साहब जो जैसे BNS एसोसिएट का कर रहे थे, तो BNS एसोसिएट के आसपास ही अपना आईडी क्रिएट करें, सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर पीपल टू आइडेंटिफाई वॉट यू आर रनिंग। इफ यू आर रनिंग एनी सेलिब्रिटी, तो सेलिब्रिटी के नाम पर होगा। अगर आप कोई बिजनेस अकाउंट, बिजनेस रन कर रहे हैं, तो बिजनेस के नाम पे आप अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल आप क्रिएट कर लीजिए। ईमेल कुछ भी हो सकता है, जैसे आपके फेसबुक पे ईमेल कुछ भी हो सकता है, abc@gmail.com है, abc@yahoo.com, बट डिस्प्ले नेम जो आपका वो बिजनेस नेम से रिलेटेड होगा। फिर आप जब इंस्टाग्राम मोस्टली मोबाइल पे ऑपरेट होता है, तो इसलिए आप मोबाइल, फेसबुक डेस्कटॉप पे बहुत इजी है ऐड मैनेज करना, वेयर एज इंस्टाग्राम इज मोर फॉर मोबाइल, तो इंस्टाग्राम का जो इंटरफेस है वो मोबाइल के लिए बहुत कॉम्पेटेबल है। अगर आप डेस्कटॉप पे यूज कर रहे हैं, तो आपको यूज करने के लिए एडवाइजेबल है कि आप m.instagram.com आप ओपन करें। ठीक है, क्या करेंगे आप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर ऑल ऑफ यू, m.instagram.com। m इज बेसिकली फॉर मोबाइल वर्जन ऑफ द साइट, बिकॉज इंस्टाग्राम मोबाइल फ्रेंडली ज्यादा है, तो इसलिए आपको m.instagram.com क्लिक करना है। अपने फेसबुक जो ब्राउजर जो होता है वहां पे आप डालेंगे, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट खुल जाएगा। ओके, मैं आपको दिखा भी देता हूं, सो दैट आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। आई जस्ट ओपन माई इंस्टाग्राम पार्ट एंड देन फ्रॉम देयर यू गाइस कैन सी। ठीक है, आपके सामने ये मेरा ब्राउजर खुला हुआ है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे m.instagram.com ये ओपन करूंगा। यहाँ पे मुझसे ये इंस्टाग्राम का मेरे से यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा। ओके, सो आई हैव माय इंस्टाग्राम, यू कैन सी इंस्टाग्राम का एक अकाउंट है। अगर मैं अकाउंट इससे किसी और अकाउंट को मैं मूव करना चाहता हूँ, तो मैं वैसे भी मूव कर सकता हूँ, बट लेट मी कंटिन्यू एज माई पर्सनल अकाउंट वॉट एवर इट इज। अब मैं इसको यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा, सो आई विल गेट मेनी ऑप्शंस, टर्न ऑन नोटिफिकेशन राइट नाउ व्हेन पीपल फॉलो यू, तो मैं टर्न ऑन भी कर सकता हूँ, नॉट नाउ चाहो तो नॉट नाउ भी कर सकता हूँ। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैंने ये कहा कि भाई वी विल गेट, हम सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा प्रोफेशनल अकाउंट, ठीक है,
यहाँ पे क्या है, मेरा ये जो अकाउंट है ये पर्सनल अकाउंट है, अगर मैं इसको प्रोफेशनल अकाउंट में चेंज कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या है, कैटेगरी कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कूल, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग से रिलेटेड है। मैं इसको क्लिक करता हूं, ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज, ओके, सो आई विल जस्ट क्लिक इट, सॉरी कहां गया, एडवर्टाइजिंग एंड समथिंग वाज देयर, ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव सेलेक्टेड, सो दिस विल गो, ओके। अब मैं इसको जैसे भी चेंज करना है चेंज कर ले, ठीक है, शो कैटेगरी ऑन द प्रोफाइल, इफ आई वांट टू शो कैटेगरी इट विल शो कैटेगरी, इफ आई डोंट वांट टू शो कैटेगरी एंड देन लेट मी सबमिट इट, सो व्हाट विल हैपन, दिस प्रोफाइल गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोफेशनल अकाउंट, ओके। और कुछ आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, पासवर्ड, ऐप, वेबसाइट, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सो व्हाट हैपन्स, इट बिकम्स योर प्रोफेशनल। अगर मैं फिर से इसको पर्सनल अकाउंट के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं इसको पर्सनल अकाउंट के हिसाब से भी कन्वर्ट कर सकता हूं, ओके। अकाउंट सेंटर पे जाएंगे और हम अपने सेटिंग्स में जाके इसको अपने पर्सनल अकाउंट पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, ठीक है। आप मैनेज कॉन्टैक्ट्स कर लीजिए, प्राइवेसी सेटिंग्स, लॉगिन एक्टिविटी, जिसको भी आपको जो करना है वो आप कर लीजिए। अगर कोई और अकाउंट है जो कि आपका बना हुआ है, आप शिफ्ट करना चाहते हैं, यू स्विच करना चाहते हैं, तो जैसे फेसबुक में चेंज अकाउंट का ऑप्शन आता है, वैसे लॉग इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट होगा, तो ये हमारे किसी और अकाउंट का, ये हमारे किसी क्लाइंट का अकाउंट है, तो मैं उस चीज को छोड़ देता हूँ। सो लाइक वाइज यू कैन कंटिन्यू। अब ये आईडी हमारा बन गया, तो ये हम क्या करेंगे, इस चीज को हम अपने फेसबुक अकाउंट के साथ कनेक्ट कर लेंगे एंड देन यू विल स्टार्ट यूजिंग। ये प्रोफाइल का जो भी हमारा आईडी है, ये आप देख रहे हैं, ये जो प्रोफाइल है ये क्या है, ये हमारा प्रोफाइल आईडी है, इसको मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं एडिट प्रोफाइल पे गया तो यहाँ पे अपने प्रोफाइल को एडिट करके चेंज फोन नंबर, टेम्पररली डिसेबल माय अकाउंट, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने प्रोफाइल को पर्सनल से प्रोफेशनल, प्रोफेशनल से पर्सनल आप चेंज कर सकते हैं, ओके। आप फोटो कैसे चेंज करेंगे ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग वहाँ पर जाके चेंज कर सकते हैं। ईमेल है, जो भी है, जितने भी आएंगे पुश नोटिफिकेशंस हैं या कॉन्टैक्ट्स हैं, एवरीथिंग यू कैन मैनेज इट। तो अब ये यहाँ से हो गया, तो इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको इस अकाउंट को अपने फेसबुक के अकाउंट के साथ जब आप मर्ज कर देंगे तो उसके बाद आप रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज वैसे ही करेंगे, ओके। सो लेट मी टेक यू बैक टू द प्रेजेंटेशन, यहाँ पे हम लोग थे, ऑलराइट। सो ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप देखिएगा कि जैसे ही मैं वहाँ पे जाके आप लोगों के सामने चेक किया, अब जब नीचे आएंगे तो सेटिंग्स के अंदर ही, जब मोबाइल पे आप देखेंगे तो स्विच मोबाइल पे इस तरह का स्क्रीन आएगा, डेस्कटॉप पे थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन आ रहा है, बट स्विच बिजनेस प्रोफाइल जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे वो बिजनेस प्रोफाइल से में स्विच हो जाएगा। अब कनेक्ट टू योर फेसबुक पेज, नेक्स्ट जब आएगा कनेक्ट टू योर फेसबुक पेज, प्रोवाइड ए कॉन्टैक्ट मेल, फोन नंबर एंड एड्रेस, इनेबलिंग फॉलोअर्स टू कॉन्टैक्ट यू। तो ये क्या है कि अब आप अपना फोन नंबर, डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आप जब अपडेट कर देंगे तो इंस्टाग्राम पे भी लोग आपको चेज कर सकते हैं और फेसबुक पे भी आपको कनेक्ट कर लेंगे, ओके। वंस यू हैव कंप्लीटेड द प्रोसेस, योर इंस्टाग्राम अकाउंट विल हैव बीन ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू योर बिजनेस अकाउंट, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन विल बी डिस्प्लेड ऑन योर प्रोफाइल पेज, राइट, एंड देन आप वहां पर से भी पोस्ट को, जो इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली पोस्ट किए आप वहां से भी बूस्ट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, या फिर आप फेसबुक अकाउंट में भी जाके आप क्रिएट कर सकते हैं, ओके? अब जब आप फेसबुक में जाएंगे तो आपको कैसे ऑप्शंस आएंगे, ये वाला मैं आप लोगों को पीपीटी शेयर करूंगा, बिकॉज ये एग्जैक्ट स्क्रीन कैप्चर किए गए हैं जो जो ऑप्शंस आते हैं, ठीक है।
तो इंस्टाग्राम का आपने प्रोफाइल क्रिएट कर लिया, नेक्स्ट आपको क्या करना है, फेसबुक अकाउंट में जाना है, उसमें सेटिंग्स जो आपके ऊपर की तरफ आता है वहां जाएंगे, देन क्लिक ऑन इंस्टाग्राम फ्रॉम द मेन्यू लेफ्ट हैंड साइड, और वहां पे जाके आप इंस्टाग्राम पे जब जाएंगे तो वहां पे आपको ऑप्शन आ जाता है कि आप इसको क्लिक करें और वहां पे आप अपने इंस्टाग्राम की आईडी को अपलोड करेंगे, ठीक है। अब जब ये हो जाता है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि जब आप इसको लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो जाता है। तो फर्स्ट लेवल पे आपको वहां पे कनेक्ट करने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा ताकि उसी यूजर नेम पासवर्ड से वो आपको कनेक्ट कर लेता है, और कभी कभी वो पॉपअप करता है कि इंटर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो आप अपने इंस्टाग्राम का यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे और वो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल गो एज स्मूथ एज इट इज बीइंग डिस्प्लेड ओवर हियर, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सिंपल प्रोसेस है कि आपको फेसबुक एड अकाउंट में ही जाके आपको मैनेज करना है, ठीक है। तो ये चूंकि मोबाइल से ही हम कर रहे हैं, चूंकि इंस्टाग्राम इज मोर फ्रेंडली विद मोबाइल, बट स्टिल जब आप फेसबुक में लॉग इन करेंगे तो आपको राइट साइड टॉप में एक छोटा सा ट्रायंगुलर इन्वर्टेड ट्रायंगुलर आइकॉन आएगा, उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको क्रिएट एड का ऑप्शन आएगा, एंड देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, क्रिएट न्यू कैंपेन, ठीक है, ये ब्रांड अवेयरनेस, ट्रैफिक, कन्वर्जन, ये फेसबुक का ही है, ठीक है। तो ये आपको आ जाएगा, ये सारी चीजें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि अवेयरनेस है, कंसिडरेशन है, कन्वर्जन है, एड का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बहुत ज्यादा इस चीज को लेंथी फॉर्मेट में नहीं लेके जा रहा हूँ, आई विल जस्ट कीप इट डाउन। अब यहाँ पे आ गया कि आप अपने कंट्री, जैसे हम लोगों ने करेंसी डिफाइन किया था अपने इसमें फेसबुक में, वैसे ही आपको करेंसी डिफाइन करने के बाद, जो भी इंडियन करेंसी है तो इंडियन करेंसी होगा, किसी और करेंसी के लिए आप कर रहे हैं तो किसी और करेंसी को चूज कर सकते हैं, बट एक अकाउंट में एक ही करेंसी आप चूज कर सकते हैं, ऐड कहीं का भी रन कर सकते हैं लेकिन करेंसी एक ही चूज करना होगा, फिर उसके बाद ये वही सारी चीजें हैं। सो नीड नॉट टू वेस्ट योर टाइम, और जैसे ही क्रिएट करते हैं तो ये सारा ऑडियंस का ऑप्शन आ जाता है जो कि ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब आएंगे प्लेसमेंट का, जैसे मैंने कहा कि ऑटोमेटिक प्लेसमेंट आता है, तो आपको सिर्फ इंस्टाग्राम पे अगर पब्लिक करना है तो आप एडिट प्लेसमेंट में जाएंगे और फिर आपको ऑप्शन दिख के आ जाएगा, वो क्या ऑप्शन दिख के आएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऑप्शन दिख के आएगा, फेसबुक फीड्स ये सारे ऑप्शन दिख के आएंगे, उसके नीचे इंस्टाग्राम आएगा। तो जैसे ही आप फीड्स पे क्लिक करें या और भी चीजों पे क्लिक करेंगे, वो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को सेलेक्ट कर लेता है और उसी के लिए सिर्फ चूज करते हैं, फिर आप अपना डेली बजट लगाइए, बाकी चीजें करिए और इसको पुश कर दीजिए। नाउ वंस एड इज क्रिएटेड, एड कितने तरह का होगा, सिंगल इमेज है, वीडियो है, मल्टीपल इमेजेस हैं, ऑल दोस थिंग्स कैन बी डन। सो आप लोग वही सेटिंग्स हैं जो आपके फेसबुक के सेटिंग्स हैं, जो आप लोग अभी तक कर चुके हो वही है, सिर्फ आपको करना क्या है, क्रिएट एड में जाके, मैं उसको आपको दिखा भी देता हूँ, अपने ही फेसबुक अकाउंट से जाके आपको दिखा देता हूँ, सो दैट आपके लिए ईजी हो जाएगा और आपके समझ में आ जाएगा। तो मैं इसको ये सारे ऑलरेडी आप लोग देखे हुए हो, ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ और उसके बाद मैं अपने फेसबुक अकाउंट पे जाता हूँ और वहाँ जाके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे मैं, मेरे सामने ये है, ठीक है, मैं फेसबुक अकाउंट पे गया, राइट, तो कल जिस अकाउंट से मैं लॉगिन किया हुआ था वो दूसरा वाला अकाउंट था, मैं उसमें लॉगिन कर जाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैं लॉगिन कर लिया, अब मुझे क्या करना है, एड रन करना है। तो एड रन करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें पेज चूज करना पड़ेगा, ओके, पेज चूज करना पड़ेगा और हम क्या करेंगे, एड सेंटर में जाएंगे। अब इस पर्टिकुलर अकाउंट से अगर हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट एडेड नहीं होगा, तो आपने देखा था कि वहां पे था कि आप सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है, सेटिंग्स में जाएंगे, वहां पे लेफ्ट साइड में हमको इंस्टाग्राम का एक ऑप्शन आएगा, ये देखिए इंस्टाग्राम का ऑप्शन आया। अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम का अकाउंट में ऐड करूंगा, कनेक्ट योर फेसबुक पेज टू इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कनेक्ट अकाउंट, अलाउ एक्सेस टू इंस्टाग्राम मैसेजेस इन इनबॉक्स, ओके अलाउड। ये जो मेरा लॉगिन है
उसी को ये लॉग इन करने की कोशिश करेगा, ठीक है. सो इफ दिस इज नॉट, सो आई नीड टू स्विच ऑन लॉग इन विथ फेसबुक. अगर आपका यूजर नेम पासवर्ड सही नहीं है तो क्या करेगा, वो फेल कर जाता है. अदरवाइज आपको यूजर नेम पासवर्ड अपना डालिए और वो कनेक्ट कर लेता है. तो जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि एक बार वो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ कनेक्ट हो जाता है और कनेक्शन के बाद क्या करना है आपको, वो सिंक्रोनाइज हो जाता है, उसके बाद आप आगे बढ़ जाते हैं. अब ये हमारा, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ ये हमारा कनेक्ट हो गया. अगर आप मैसेंजर रिसीव करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं रिसीव करना चाहते हैं तो भी ये Sorry, your password was incorrect. Please double check and click on it. तो मेरे ख्याल से मैं पासवर्ड शायद भूल गया हूँ या कुछ भी है. ठीक है, यहाँ पे होगा शायद. I'm not very sure. No. पासवर्ड इज इनकरेक्ट. सो इफ आई पुट इन माई पासवर्ड, देखता हूँ एक दूसरे इससे कनेक्ट करके, इफ दैट गेट्स कनेक्टेड. राइट, सो दिस इंफॉर्मेशन इज करेक्ट. सेव इंफॉर्मेशन. सो ये यहां पे हो गया. आप देखिए क्या है, मेरा फेसबुक और मेरा ये कनेक्ट हो जाएगा. नाउ इंडियन स्कूल ऑफ डिजिटल बिजनेस शाकिर अली डिजिटोज, ये कनेक्टेड है. मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ, ठीक है, स्विच कनेक्शन. सो इट विल गेट स्विच वॉट एवर इट इज. तो इस तरह से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं. सो लेट मी नॉट डिस्टर्ब द सेटिंग्स दैट आई हैव, बट यहाँ से आप लोग अपने पेज के सेटिंग्स में जाके चेंजेस कर सकते हो. ओके अब मान लीजिए आप, मैम ये मान लेता हूँ कि ये कनेक्ट हो गया, बिकॉज आपके पास एक अकाउंट होगा, आप एक ही अकाउंट से कर रहे होंगे, तो आप उस चीज को कनेक्ट कर लिए. अब नेक्स्ट क्या करना है, अब हमको ऐड प्लेस करना है. तो जब हम ऐड क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे, क्रिएट ऐड पे जब जाएंगे, तो यहाँ पे हमसे ये पूछेगा बूस्ट ए पोस्ट. अगर पूछ रहा है तो बूस्ट ए पोस्ट हम कर सकते हैं, ठीक है, या हम गेट मोर विजिटर्स टू द वेबसाइट, या जो भी हम गेट मोर मैसेजेस है. तो मैं मोर मैसेजेस पे अगर ये करता हूँ तो यहाँ पे हमको क्या पूछेगा, नीचे जब हम जाएंगे तो एक प्लेसमेंट का ऑप्शन आएगा. ये देखिए आप लोगों के सामने ये ऑप्शन आ गया प्लेसमेंट का, कि मैं कहाँ कहाँ अपने ऐड को पब्लिश करना चाहता हूँ. तो मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही पब्लिश करना चाहता हूँ, तो मैं इंस्टाग्राम सिर्फ क्लिक रखूंगा, बाकी चीज़ों को मैं डिसेबल कर दूंगा. ओके, तो वो कैसा दिख के आएगा, क्या दिख के आएगा, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम में हमारा ऐड किस तरह से दिखेगा. तो वो इस तरह से हमारा इंस्टाग्राम में हमारा ऐड दिखेगा. अगर हम कुछ और चेंज करना चाहते हैं तो हम सेलेक्ट मीडिया में जाएंगे, वो आप लोगों को पता है. हम एक ही इमेज को लेते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और हम इस तरह से अपने राइट. तो ये सिर्फ इंस्टाग्राम पे हमारा ऐड कहाँ डिस्प्ले होगा, हमारा ऐड सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही सिर्फ डिस्प्ले होगा. और इसको अगर हम चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी हम लीड जनरेट, जैसे हम इंस्टाग्राम पे हम बूस्ट प्रमोशन कर रहे हैं, उसी तरह से हम इंस्टाग्राम पे भी हम लीड जनरेशन कैंपेन भी कर सकते हैं, बाकी चीज़ें भी हम इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं. ठीक है, यू वॉन्ट टू लीव इट, आई सेड येस, गेट मोर लीड्स. यहाँ पे एक फॉर्म ऑलरेडी सेलेक्टेड है, चलो भाई मैं फॉर्म ले लिया. उस फॉर्म को चूज करते हुए मैं नेक्स्ट पे गया, यहाँ सारी चीज़ें आ गई. सेलेक्ट ऑडियंस, मैं जैसे सेलेक्ट इमेज, ये मैं इमेज चूज कर लिया. उसके बाद जब मैं नीचे जाऊँगा तो मेरे से क्या पूछेगा,
पोजिशनिंग पूछेगा, ठीक है। ये देखिए आपके सामने है, तो मैं चाहूं तो यहां पे सिर्फ इंस्टाग्राम और मैसेंजर को मैं क्लिक कर सकता हूं, तो मेरा एड सिर्फ अब इंस्टाग्राम पे ही जाएगा। तो अगर मैं इस चीज को इनेबल करता हूं तो मेरा एड सिर्फ इंस्टाग्राम पे पब्लिश होगा और फेसबुक पे भी नहीं होगा और किसी भी जगह पे हमारा एड पब्लिश नहीं होगा। ये इंस्टाग्राम का एड फीड है, अगर यहाँ पे प्रीव्यू आ जाता है, ये देखिए ये इंस्टाग्राम का प्रीव्यू एड आ गया कि किस तरह से इंस्टाग्राम पे दिख के आएगा। सो इट विल बी विजिबल ओनली ऑन इंस्टाग्राम। साइन अप, गो नाउ, जो भी हमारे तीन ऑप्शन हैं, रील में आ जाता आपको, स्टोरी में आ जाता और उसके ऊपर आ जाता है। तो ये इसको हम जब ये कर देते हैं तो ये क्या होगा, हमारा सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही ये एड हमारा डिस्प्ले होगा। ओके, चूंकि मैं इस एड को एक्टिवेट नहीं करना चाह रहा हूं अभी, बाकी सारी चीजें आप लोग देख चुके हो, तो मैं इसको बैक कर देता हूं या फिर मैं इसको क्लोज कर देता हूं, सो दैट मेरा एड डिस्प्ले नहीं होगा। तो इस तरह से आप चाहे मैसेजेस हो, लीड्स हो या फिर मोर मैसेंजर्स हो, ठीक है, या व्हाट्सएप मैसेजेस हो, ये सारी चीजें आप यहां से कर सकते हैं। ओके, सो इसके बाद आपका क्या होगा, इसके बाद आपका जो नॉर्मल प्रोसेस आप फेसबुक में यूज किए हो वैसे ही आपको यूज करना है। तो दिस इज हाउ इंस्टाग्राम इज ऑल अबाउट, नॉट वेरी टिपिकल, बट थोड़ा सा सेटिंग्स आपको इंस्टाग्राम में करना है और उसके बाद आपको अपने फेसबुक अकाउंट के साथ मैप करना है। वंस यू मैप विद फेसबुक अकाउंट, उसके बाद क्या हो जाएगा, जब आप फेसबुक अकाउंट से मैप कर देंगे तो उसके बाद आपको डायरेक्टली आप फेसबुक इंटरफेस से फेसबुक आप अपने फेसबुक इंटरफेस से डायरेक्टली एड रन कर सकते हैं। वन मिनट, ओके, तो आप लोग इंस्टाग्राम के ऐड को भी फेसबुक अकाउंट से रन कर सकते हैं और डायरेक्टली अगर वहां पे सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऐड रन करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम के इंटरफेस पे भी जाके जब प्लेस ऐड करेंगे तो आपको इधर की तरफ ही लेके आएगा। इंटरफेस सेम है और इसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, राइट। तो मैं ये जो आपको पीपीटी मैंने जो आपको इंस्टाग्राम का दिखाया है वो भी मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ और आज का जो ये वीडियो है वो भी मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। सो बहुत टिपिकल नहीं है, बट थोड़ा सा हाथ, थोड़ा सा अगर आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिए तो इंस्टाग्राम को यहाँ तक अगर आप कर लिए कि इंस्टाग्राम का आईडी क्रिएट किए, उसको प्रोफेशनल वर्जन में, पर्सनल आईडी क्रिएट होता है उसको प्रोफेशनल में कन्वर्ट किए, बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर दिए, एंड देन आप अपने फेसबुक पेज में जाके पेज रोल, पेज सेटिंग्स में जाके आप वहाँ जाके इंस्टाग्राम के ऊपर जाके कनेक्ट कर लें। इट विल आस्क फॉर लॉगिन पासवर्ड, यू डू दैट, इट विल गेट कनेक्टेड, थिंग्स आर डन, देन क्रिएट एड पे जाएंगे, एड क्रिएट करेंगे जैसे नॉर्मल फेसबुक का एड क्रिएट करते हैं वो करेंगे। आपको क्या करना है, प्लेसमेंट्स में आके फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, ये तीनों में से जो आपको इंस्टाग्राम चाहिए इंस्टाग्राम को चूज करके आप अपने बाकी प्रोसेस आप उसी तरह से अपना कंप्लीट कर लेंगे। इज दैट ओके फॉर यू गाइज, या कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो पूछ सकते हो आप लोग, बट जब आप करोगे, चूंकि आपका एक ही अकाउंट होगा इंस्टाग्राम पे, तो कनेक्ट करना जरा आसान हो जाएगा। अगर आप ऑलरेडी किसी इंस्टाग्राम आईडी से अपने डेस्कटॉप या मोबाइल पे लॉग इन हैं तो आप पहले उससे लॉग आउट कर लीजिए, फिर उसके बाद आप प्रोसेस कीजिए, तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि कौन सा यूजर नेम पासवर्ड आपके इस पर्टिकुलर फेसबुक अकाउंट के साथ कनेक्ट होने जा रहा है, ठीक है। Guys, am I clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. चलो, okay. So try it. बहुत ही सिंपल है, मेरे ख्याल से आधा घंटा बैठोगे तो ये हो जाएगा, जहाँ फेसबुक में कनेक्ट हो गए उसके बाद आप अभी करो या बाद में करो, it doesn't matter because it's okay. ठीक है, उस तरह से करके आप लोग इसको रन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ये पीपीटी आज का जो है इंस्टाग्राम का पीपीटी भी मैं शेयर करता हूँ, इसी तरह से ट्विटर के अंदर भी जो एड क्रिएशन है बहुत ही सिंपल है, मैं थोड़ा सा गो थ्रू करवा दूंगा उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, इट्स वेरी सिंपल। क्योंकि हम ट्विटर में मोस्टली हम लोग ट्विटर में पेड कैंपेन नहीं करते, बट फिर भी ट्विटर हैज एन ऑप्शन ऑफ पेड कैंपेन, तो हम उसको आपको
एक्सप्लेन कर देंगे एंड देन फॉलोड बाय दैट हम लिंक्डइन करेंगे. तो इस तरह से सोशल मीडिया हमारा इस वीक में हमारा कंप्लीट हो जाता. देन वी विल गो ऑन टू अदर थिंग्स फॉर SEO एंड अदर थिंग्स. ठीक है. ऑल राइट गाइस. ऑल राइट. ओके सर. गुड नाइट देन. टेक केयर. गुड नाइट सर.